जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सरगुजा के एक दिवसीय प्रवास पर थे। इस दौरान वे एक निजी होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उससे पहले स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए अमित जोगी ने राज्य सरकार के 2.5 साल और प्रदेश में खनिज संपदा के दोहन समेत अपने परिवार के जाति मामलों में राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। साथ ही अपने जाति मामले को मंगल ग्रह से जोड़ दिया। अंबिकापुर के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश से जुड़े तमाम बातों पर चर्चा की। इस दौरान सरगुजा संभाग के कुछ हिस्से में बनने वाले लेमरू एलिफेंट रिजर्व के मामले में अमित जोगी ने राज्य सरकार के मुखिया भूपेश बघेल और अडानी समूह के बीच हुए एक बड़े साठगांठ का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक 14 जून 2019 को राजेश अडानी और भूपेश बघेल के बीच छत्तीसगढ़ भवन में मुख्यमंत्री स्वीट के अंदर 2 घंटे तक बैठक चली है, जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। उस गुप्त मीटिंग का परिणाम है आज से 17 दिन पहले 26 जून 2021 चौथे शनिवार को, जब सारे दफ्तर बंद रहते हैं, उस दिन प्रदेश का वन विभाग का दफ्तर खुला रहता है और प्रदेश के PCCF को ये निर्देश दिया गया कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल को 4000 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर कर दिया जाए। आज से लगभग 17 दिन पहले 26 जून 2019 कैलेंडर में आप देखेंगे ये फोर्थ सैटरडे है जो कि शासकीय अवकाश है। इस दिन सरकार काम नहीं करती है, सारे सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, लेकिन उस दिन वन विभाग का दफ्तर खुला और एक आदेश पारित किया गया। प्रदेश के PCCF को यह निर्देशित किया गया कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व, जिसको हम लोग अब LER बोलने लगे हैं, का क्षेत्रफल 4000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर से घटाकर 450 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया जाए और ये सब 3 दिन के भीतर किया जाए, मतलब कि 29 जून 2021 के पहले सैटरडे और संडे के दिन PCCF 4000 स्क्वायर किलोमीटर के लेमरू एलिफेंट रिजर्व के एरिया को 90% घटाकर लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर कर दे। यह अजीबोगरीब फैसला है। पत्रकारों से करीब 45 मिनट तक हुई चर्चा में अमित जोगी ने प्रदेश सरकार के 2.5 साल को विफल बताते हुए प्रदेश में माफिया राज आने का आरोप लगाया है। इधर जोगी ने राज्य सरकार पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाकर मीडिया के सामने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। अमित जोगी के मुताबिक प्रदेश से रोजाना 1100 ट्रकों से 50,000 टन रेत उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है, जिसकी कीमत 5,50,00,000 है। प्रतिदिन लगभग 1100 ट्रक रेत से भरे उत्तर प्रदेश की ओर कूच करते हैं। अधिकांश ट्रकों के लाइसेंस प्लेट में यूपी के ही नंबर हैं। इस प्रकार रोज सरगुजा संभाग से 50,000 टन रेत निकाली जा रही है, जिसका बाजार में मूल्य 5,50,00,000 रुपया है। इतने बड़े पैमाने में तस्करी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पूरा का पूरा अमला संलिप्त ना हो। इसमें भी मेरा आरोप है कि जिन लोगों को काम दिया गया है, आप जानते हैं, वे सीधे सीधे CM हाउस से जुड़े हुए लोग हैं और इसीलिए प्रशासन के हाथ जाकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए। इधर अपने परिवार के जाति मामलों में हो रही कानूनी दावपेच के सवाल पर अमित जोगी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार आदिवासी नहीं है,
तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही ये बता दें कि मेरी जाति क्या है। इतना ही नहीं, अमित जोगी ने कहा वो मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। मैं तो केवल आदरणीय भूपेश बघेल जी से ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम आदिवासी नहीं हैं, मैं, मेरी पत्नी आदिवासी नहीं है, मेरे पिताजी आदिवासी नहीं है, तो वो बता देना कि हमारी जाति क्या है। क्या हम मंगल ग्रह से टपके हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है? आज इस पूरे कमरे में, मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में, हम तीन ही ऐसे लोग होंगे जिनकी कोई जाति नहीं है। क्या हम SC में आते हैं, क्या हम OBC में आते हैं, क्या हम जनरल में आते हैं, किसी में तो आते होंगे। अपने जाति मामलों में कोर्ट पर आस्था जताने वाले अमित जोगी ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व के मामले में कोर्ट में लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। बहरहाल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचे अमित जोगी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकने का काम किया और जल्द ही अपने पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की बात भी कही।